तो आपने वीडियो के जरिए देखा कि कैसे प्रिया मोहन ने अपने आप को ट्रेन किया और कैसे उनके सर अर्जुन अजय कोच सर ने उनको हेल्प कराई। 2015 का वो टाइम जब प्रिया मोहन जो एथलीट हैं वो आई अर्जुन अजय सर के पास में और कहा कि सर मेरे को ट्रेन आपको करना है और एथलेटिक्स में मैं एक अलग ही लेवल का गेम खेलना चाहता हूँ। एंड देन अर्जुन अजय सर ने कहा कि मैं ट्रेन करूँगा बट आई वॉन्ट टू सी योर बॉडी लैंग्वेज दैट हाउ यू आर प्रिपेयरिंग हाउ यू आर डूइंग आपका बेसिक फॉर्मेशन क्या है आप कैसे प्रिपेयर करती हो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है आप प्रिपरेशन के लायक हो या नहीं क्योंकि हर एक एथलीट हर एक कोच देखता है अपने एथलीट को कि कैसे वो आगे रिप्रेजेंट कर सकता है कैसा उसका प्रदर्शन रहेगा। तो 2015 में जब प्रिया मोहन के पास में तो उन्होंने देखा कि उनकी बेसिक फॉर्मेशन इतनी अच्छी नहीं थी बाकी हाँ एक चीज थी कि उनका जो दौड़ने का तरीका था और एक हार ना मानने की जो बात थी उसको लेकर के आगे चले और 2015 में उन्होंने स्टार्ट करवाया 9 hours इन अ डे यानी 9 घंटे डेली प्रैक्टिस करवाते और वो प्रैक्टिस आज कामयाब रही। आज इंडिया लेवल पर यानी इंडिया पर एशिया में प्रिया मोहन अभी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है और अभी इंडिया का ब्रॉन्ज मेडल लगा जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान प्रिया मोहन का भी रहा है और भी बाकी एथलीट से जिन्होंने तैयारी की थी बट अगर एक यूनिक जर्नी माने एक मिडिल क्लास फैमिली से हर एक एथलीट है तो मिडिल क्लास फैमिली से निकलता है और ऐसे प्रिया मोहन निकली और धीरे धीरे रियली आई एम ऑल्सो टेकिंग दिस आई एम ऑल्सो शेयरिंग दिस पॉइंट टू यू गाइस दैट मेरे को खुद को बिलीव होता है मेरे को खुद को लगता है खुद को कॉन्फिडेंस हो गया इस चीज़ का देखने के बाद में कि हाँ प्रिया मोहन आगे जा सकती है। तो आप सपोर्ट करें और आप सभी की उम्मीदें हैं और उनकी मेहनत दोनों अगर आप ब्लेसिंग्स आप सभी की अगर होंगी तो वो जरूर कामयाब होगी। थैंक यू सो मच।